सालों से अपनी बिजली, पानी, सड़क सहित तमाम मूलभूत समस्याओं को लेकर अधिकारियों और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट चुके फरियादियों को आखिरकार अब अंतिम राहत कमिश्नर से मिलने की उम्मीद नजर आई है। वहीं ऐसा ही मंजर देखने को मिला जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सुबह से शाम तक तमाम समस्याओं का निपटारा करते नजर आए। लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि कमिश्नर साहब के तल्ख तेवर और फैसला ऑन द स्पॉट वाली इमेज उन्हें यहाँ खींच लाती हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कहना यह है कि क्या करते हैं, हम इन कागजों को इसलिए नहीं ले रहे हैं कि क्या कि हम ये जो लड़के इनके इसमें लिखे हैं, जो लड़के कार्य करते हैं वो BPL में नहीं आते हैं। खासकर मेरा जो भगवानपुर जयसिंह एरिया है और भगवानपुर बिचला तो जो पड़ता है, जिसमें कि मेरा 80 बाहुल्य क्षेत्र भी है, जिसमें कि अभी हमारे वहाँ पेयजल की काफ़ी समस्या है। भैया अपनी बात रखने के लिए तो आए हैं, अगर देखे सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पब्लिक की बात तो सुनेंगे, कमिश्नर है तो ज़रूर सुनेंगे हमारी बात। हम आए थे सर इधर कमिश्नर साहब से मिलने के लिए, काफ़ी टाइम से दानेश्वर महादेव की गुफा निकली थी 12 मंजिल 2014 से, अभी तक इसके बारे में कोई कार्रवाई अधिक हो नहीं पाई।